जनपद संभल में बेमौसम बरसात किसानों के लिए आफत लेकर आई है। पिछले 4 महीनों से फसल को खड़ा करने में जुटे इन किसानों की मेहनत एक झटके में तबाह हो गई। बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। बता दें कि जब फसल को काटने का समय नजदीक आया तो भारी बारिश की वजह से खड़ी फसल तबाह हो गई। खेतों में पानी भर गया। कटी हुई धानों की फसल खेत में पानी के ऊपर तैरती हुई नजर आ रही है। संकट के दौर से गुजर रहे किसान मौजूदा समय में धान की फसल को काटने की तैयारी कर रहे थे, जबकि कुछ किसानों ने तो फसल काट ली थी, लेकिन अचानक हुई बारिश ने किसानों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। बारिश के चलते फसल बर्बाद हो गई। ऐसे में पकी हुई फसल खुद ब खुद खराब हो जाएगी और वह कुछ काम नहीं आएगी। इसका मतलब साफ है कि किसानों के लिए मौजूदा समय किसी संकट से कम नहीं है। आपका क्या नाम है? रविंदर राजपूत। ये अचानक हुई बेमौसम बरसात से आपकी कौन कौन सी फसल बर्बाद हुई है और लगभग कितने रुपए का नुकसान है? धान एक और उड़ते सामने दिख रहे हैं, कम से कम 50-60 हज़ार नुकसान है। 15 बीघा एक नेस्त ऐसे गई और 10 बीघा धान नेस्त ऐसे गए, उड़द तो बेकार हो गए। अच्छा, दूसरा सवाल यह है कि इस बरसात से और कौन कौन सी फसल ऐसी हैं जिनको बारिश से ज़्यादा नुकसान है? ज़्यादा नुकसान लेटा तो बिल्कुल ही गए और उड़द भी गए और ईख में तो ऐसा गिर गई वो पल्ले पड़ा, धान भी सब बह गए पानी में। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन से जो कहना चाहेंगे कुछ मदद मिलती है हमें। आपका क्या नाम है? विशेष कुमार। ये अचानक हुई बारिश से आपकी किस फसल को और लगभग कितने रुपए का नुकसान है? लगभग हमारी फसल है धान है, उड़द है, हमारी ये सब ईख है, लेटा है, सारी फसल को नुकसान पहुंचा है। कम से कम 30-40 हज़ार रुपया में हमारी फसल है वो सारी नष्ट हो गई बेमौसम बारिश में। गरीब आदमी हैं हम। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि इस अचानक हुई बारिश से और कौन कौन सी फसलों को नुकसान है? ये साहब ईख है, लेटा है और धान है, उड़द है, सारी फसल ही नष्ट हो गई। बहुत बारिश हुई है, बेमौसम में बारिश हुई है, धान कटे पड़े थे सारे और सारे ये पानी में तैर रहे हैं और ईखें भी हमारी ये सारी गिर गई। क्या नाम है आपका? कमल सिंह। अचानक की बारिश से आपकी फसल को कितना और कौन कौन सी फसल को नुकसान है? हाँ, तो धान है, धानों को नुकसान हुआ है, खूब 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान है। आधा वो धान हल गया, पानी में भीग गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल कुमार है। ये अचानक की बारिश से आपकी किस फसल को और कितना नुकसान है लगभग? हमारे धान थे करीब 15 बीघे, वो जो है कुछ कटे हुए हैं, तैर रहे हैं, कुछ खड़े थे वो सब बिक चुके हैं। ईंख को भी नुकसान हो चुका है काफ़ी, लेटा वह दिया था वो भी सब नष्ट होने गई है। उड़द हैं, सब में नुकसान ही है साहब, लगभग अच्छे पैसों का। लगभग कितने बीघे में आपके धान थे? 15 बीघे ज़मीन मैंने जो है 6,000 रुपये बीघे के हिसाब से धरी थी गिरवी, वो सब उसमें नुकसान ही है धानों में मेरा। आपके अंदाजन लगा के लेटे में जैसे आपने बताया कि गन्ना और उड़द और धान लगभग कितने रुपए का नुकसान है? 1.25 लाख रुपये का नुकसान हो चुका है मेरा। अच्छा, इस अचानक हुई बारिश से, दूसरा सवाल यह है, इस अचानक हुई बारिश से और कौन कौन सी फसलों को नुकसान है? उड़द भी है इस टाइम तो, धान उड़द लेटा यही है, कुछ ठीक है इनमें ही नुकसान है साहब। अच्छा, इस नुकसान की भरपाई अगर पाने के लिए आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि साहब अपने अनुमान से देख के किसानों के लिए कुछ मुआवजा दिया जाए, अनुमानित लागत लगा के अच्छा खासा नुकसान है साहब, किसान बैठ जाएगा इससे तो।